इस गाइड में हम BingX एक्सचेंज पर बुल टोकन बेचने की पूरी प्रक्रिया प्रदर्शित करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर बिक्री तक। चरण एक, एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन। BingX.com पर जाएं, ऊपरी दाएं कोने में लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करें, अपना ईमेल एड्रेस या अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं, अधिकतम 8 अक्षर। रजिस्टर बटन पर क्लिक करें, आपके ईमेल पर एक पुष्टिकरण कोड भेजा जाएगा, इसे अगली स्क्रीन पर दर्ज करें और रजिस्टर पर क्लिक करें। चरण दो, वेरिफिकेशन। इसके बाद एक्सचेंज आपसे वेरिफिकेशन कराने के लिए कहेगा, पास वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करें। हमारे उद्देश्य के लिए बुनियादी वेरिफिकेशन पर्याप्त है, वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करके इस विकल्प का चयन करें, आवश्यक जानकारी दर्ज करें और तैयार है पर क्लिक करें। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन सफल होने का मैसेज दिखेगा। चरण तीन, एक्सचेंज पर बुल को निकालना। अब हमें बुल टोकन के साथ एक्सचेंज बैलेंस को टॉप अप करने की आवश्यकता होगी। अपने BingX अकाउंट में लॉगिन करें, मुख्य पेज पर एसेट पर क्लिक करें और डिपॉजिट सेक्शन पर जाएं। लिस्ट में से बुल को चुनें, एड्रेस प्राप्त करें बटन पर क्लिक करें, कॉपी चिन्ह पर क्लिक करके प्राप्त डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी करें। इसके बाद स्मार्ट वॉलेट पर जाएं और बुल चुनें, सबमिट बटन पर क्लिक करें, कॉपी किया गया एड्रेस पेस्ट करें और वह बुल राशि दर्ज करें जिसे आप भेजना चाहते हैं। अगला पर क्लिक करें, अगला पर क्लिक करके भेजने की पुष्टि करें, अपने पिन कोड से कार्रवाई की पुष्टि करें। सब हो गया, आपने एक्सचेंज को सफलतापूर्वक टोकन भेज दिए हैं। आप डिपॉजिट पेज पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में डिपॉजिट किया गया ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। चरण चार, बुल टोकन को बेचना। बुल टोकन बेचने के लिए टॉप मेनू में स्पॉट सेक्शन पर जाएं, आपको जो पेयर चाहिए उसे ढूंढने के लिए बाईं ओर करेंसी पेयर पर क्लिक करें और खुलने वाले खोज बार में बुल दर्ज करें। बुल USDT पेयर लोड होगा, उस पर क्लिक करें। आप बुल को बाजार यानी वर्तमान मूल्य पर बेच सकते हैं या वांछित मूल्य पर एक लिमिट ऑर्डर निर्धारित कर सकते हैं। बुल को वर्तमान कीमत पर बेचने के लिए मार्केट चुनें, लिमिट वाले मूल्य पर बेचने के लिए लिमिट चुनें, वांछित ऑर्डर प्रकार का चयन करें, वह कीमत चुनें जिस पर आप बुल बेचना चाहते हैं। यदि यह लिमिट ऑर्डर है, उन टोकनों की संख्या को चुनें जिन्हें आप बेचना चाहते हैं और बुल बेचें बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको पुष्टि करें बटन पर क्लिक करके ऑर्डर की पुष्टि करनी होगी। इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा कि ऑर्डर बन गया है। ऑर्डर के निष्पादन में कुछ मिनट लग सकते हैं। बुल बेचने के बाद आप अपने अकाउंट में एसेट फंड अकाउंट सेक्शन में USDT टोकन की सटीक संख्या देख सकते हैं। चरण पांच, USDT की निकासी। आइए अब प्राप्त USDT को एक्सचेंज से बाहर निकालें। आप उन्हें स्मार्ट वॉलेट सहित अपने किसी भी वॉलेट में भेज सकते हैं। एसेट निकासी सेलेक्ट करें। टोकन निकालने से पहले एक्सचेंज आपसे अतिरिक्त वेरिफिकेशन विधियों को कनेक्ट करने के लिए कहेगा, गूगल ऑथेंटिकेटर, ईमेल या फोन, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो निर्दिष्ट किया था उसके आधार पर। तो आइए गूगल ऑथेंटिकेटर को कनेक्ट करके प्रारंभ करें। सक्षम करें बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड का उपयोग करके प्रोग्राम को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करें और अगला बटन पर क्लिक करें। आपको अगली स्क्रीन पर जो चाबी दिखाई देगी उसे कॉपी करें, अपने फोन पर प्रोग्राम खोलें, स्क्रीन के निचले दाएं कोने में प्लस आइकन पर क्लिक करें, एंटर अ सेटअप की विकल्प चुनें, अकाउंट नेम कॉलम में एक्सचेंज का नाम और योर की कॉलम में चाबी दर्ज करें और ऐड बटन पर क्लिक करें। अब एक्सचेंज पर वापस लौटें और अगला पर क्लिक करें, कोड प्राप्त करें बटन पर क्लिक करके ईमेल द्वारा कोड का अनुरोध करें, प्राप्त हुए कोड को दर्ज करें। नीचे दिए गए बॉक्स में गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन से मिले कोड को दर्ज करें और पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें। सब तैयार है, आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करके अपना अकाउंट सुरक्षित कर लिया है। अब एसेट निकासी पर वापस जाए। एक्सचेंज से टोकन भेजने के लिए आपको अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी करना होगा। ऐसा करने के लिए वॉलेट ऐप खोलें
और एड्रेस कॉपी करें। एक्सचेंज पर लौटें, एक टोकन चुनें, एड्रेस दर्ज करें और निकासी बटन पर क्लिक करके निकासी की पुष्टि करें। अपने वॉलेट की जांच करें और खुलने वाली विंडो में पुष्टि करें। बटन पर क्लिक करके निकासी की पुष्टि करें। ईमेल द्वारा एक कोड का अनुरोध करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड दर्ज करें और पुष्टि करें पर क्लिक करें। सब तैयार है, आपका निकासी अनुरोध सबमिट कर दिया गया है। आप एड्रेस सेव करें, बटन पर क्लिक करके भविष्य की कार्रवाइयों के लिए एड्रेस सेव कर सकते हैं। एक बार ट्रांजैक्शन संसाधित हो जाने पर आपको अपने वॉलेट में टोकन प्राप्त होंगे। कृपया ध्यान दें कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन शुल्क लेता है, तो एक्सचेंज पर रजिस्टर करने से लेकर बूल बेचने और यूएसडीटी निकालने तक हर चरण को हमने साथ में देखा। हमें उम्मीद है कि इस निर्देश का अध्ययन करने के बाद आपके मन में प्रक्रिया के बारे में कोई सवाल नहीं होगा। और यदि आपके पास अभी भी कोई सवाल हैं, तो आप उन्हें कभी भी हमारी सपोर्ट सर्विस को भेज सकते हैं।